तो व्हाट्सअप गेमर्स, वेलकम टू द एंड्रॉइड गेमर ब्रो चैनल। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको रेडमी नोट 8 प्रो के अंदर फ्री फायर्स की कुछ ऐसी सेटिंग्स बताने वाला हूँ जिससे आप एक हेडशॉट रेट प्लेयर बन सकते हैं, अच्छे हेडशॉट रेट प्लेयर। दोस्तों, मैं ये तो नहीं कह सकता आप 100% बनेंगे, आप अगर प्रो बन सकते हैं तो बनिए, लेकिन इस सेटिंग्स आपको थोड़ा सा तो फ़ायदा होगा ही। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा एक प्रो प्लेयर बनने के लिए फ्री फायर का। और दोस्तों, आपको फ्री फायर की कसम है, इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले सेटिंग्स। दोस्तों, आपको सेटिंग्स क्या रखनी है, सेंसिटिविटी सेटिंग्स जो मेन होती है हेडशॉट के लिए, उसे रखना है आपको 100, ऑल थिंग्स इन 100, ओके, ऑल सेटिंग्स 100 कर देना है। लेकिन दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, आप यहाँ पर AWM स्कोप जो है, इसकी थोड़ी सेटिंग्स आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर चलते हैं, इसके अंदर जो फ़ोन के अंदर मैं गेम टर्बो दे रखा है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है। यहाँ पर चलते हैं, गेम टर्बो ऑन करते हैं। एंड दोस्तों, फ्री फायर आपको यहाँ पर ऐड कर लेनी है और सेटिंग्स में जाना है इसकी। सेटिंग्स में जाने के बाद दोस्तों, सेटिंग्स ऑन कर लेते हैं पहले हम, ठीक है। तो यहाँ पर सेटिंग्स ऑन नहीं हो रही, एक बार रुकिए। तो यहाँ पर सेटिंग्स पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे स्क्रॉल डाउन करना है एंड एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन ढूंढना है इसमें। तो आपको एडिशनल सेटिंग्स का ऑप्शन मिलते ही इस पर क्लिक करने के बाद आपको फ्री फायर सेलेक्ट करनी है। तो आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में फ्री फायर आ रही है, मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूं। एंड दोस्तों, जो टच रिस्पॉन्स है आपको यहां पर थोड़ा लो मिलेगा, मैंने पहले से इसे फुल कर रखा है, तो अगर आपको ये लो मिले तो आपको इसे फुल कर लेना है, जिससे कि आपकी टच रिस्पॉन्स बहुत अच्छा चलेगा। आप अगर टच करेंगे तो बटन एकदम एक्टिवली वर्क करेंगे, जिससे आपको थोड़ा गेम में इम्प्रूव होगा। तो यहाँ पर सेंसिटिविटी रिस्पॉन्स, जो सेंसिटिविटी है ना, अगर आपकी कम, जो मतलब आपको पहले से गेम के अंदर दे रखी है, उसे थोड़ा और हाई कर देता है ये, तो आपको इसे भी फुल कर लेना है। एंड दोस्तों, नीचे जो इसके ऑप्शन दे रखा है, स्मॉल, मीडियम, लार्जर, आपको इसमें क्या करना है, इसे नॉन कर देना है, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे ऑन करते हैं तो आपके नीचे की जो स्क्रीन की सेटिंग, वो टच है, वो थोड़ी कम रिस्पॉन्स करेगी, तो इसलिए इसे बंद कर देना, आपकी गेम पे इससे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पर अब मैंने आपको सब सेटिंग्स बता दी हैं, अब इसे टेस्ट करते हैं और कुछ इससे 360 मार के देखते हैं। तो लेट्स टेस्ट दिस सेटिंग्स। तो यहाँ पर दोस्तों, मैंने लगा लिया है ट्रेनिंग ग्राउंड, ट्रेनिंग टारगेट एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले ली अपनी स्क्रीन वाली गन जो आई थी हमारी, और यहाँ पर दोस्तों देखिए सेंसिटिविटी कितनी हाई हो चुकी है। लेकिन दोस्तों, अगर आप, यहाँ पर मैं आपको कुछ बात बताना चाहूँगा, अगर आप न्यू प्लेयर हैं, एकदम न्यू प्लेयर हैं आप फ्री फायर के, तो मैं आपको बताऊँगा आप धीरे धीरे सेटिंग्स बढ़ाइए सेंसिटिविटी की, वरना तो आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं तो आप कितनी भी हाई करके चला सकते हैं, आपको थोड़ी नॉलेज हो जाती है उस चीज़ की, तो ये बात है। और दोस्तों, अपनी सेटिंग, सेंसिटिविटी सेटिंग कभी भी बार बार चेंज मत करिए। अगर आपने फुल सेटिंग्स पे खेलना चालू करा तो आप उसी सेटिंग्स पे खेलिए, ताकि आपको उस सेटिंग्स की आदत पड़ी है एक अच्छे प्रो प्लेयर की तरह। जैसे एक अच्छा प्रो प्लेयर अपनी सारी सेटिंग्स को अच्छी तरीके से बखूबी जानता है एकदम, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात का, मेरी बात का, कि बार बार सेटिंग्स ना चेंज करिए। किसी भी यूट्यूबर्स की बात मानने पे सेटिंग्स ना चेंज करिए, वो कहते हैं कुछ ऐसी सेटिंग करो, कुछ ऐसी सेटिंग करो, तो कभी भी ऐसा मत करना, ठीक है। तो यहाँ पर अब मैं थोड़े आपको 360 दिखलाता हूँ कितने फास्ट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, जंप देखिए, खंबे से करता हूँ मैं, देखो जंप एंड स्विच, और देखिए कितना अच्छा, और मेरे को और मौका भी मिल गया फायर करने का। और अगर आपका थोड़ी सेटिंग्स कम होती है दोस्तों, तो फिर आपको बार बार इसे इधर इधर ऐसे करके फिर जाके फायर करने का मौका मिलता है, इतने में एनिमी आपके शूट कर देता है। तो दोस्तों, ये चीज़ वहाँ काम आती है, जैसे कि अगर एक आप स्क्वेड से लड़ रहे हैं, तो आप जल्दी से वो 360 करके दौड़ते दौड़ते ग्लू लगा के भाग सकते हैं। तो ये अगर आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, तो आपको ये समझ आ गई होगी बात मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपसे। तो अब देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको मैं कुछ सेटिंग्स दिखला देता हूँ मैं यहाँ पर, कि कितनी हाई करके मैंने, तो मैंने थोड़ा गलत कर दिया यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड में, तो माफ़ कर देना, ये देखना। हाँ, तो ये देखिए, अब देखिए फुल है एकदम सेटिंग्स, और यहाँ पर आपको देख सकते हैं कितनी अच्छी सेंसिटिविटी मिल रही है। तो अब चलिए दोस्तों, कुछ मैंने क्लिप्स आपके लिए बनाई है, जिससे आप देख सकते हैं कुछ हेडशॉट विद ऑल गन हेडशॉट, कुछ मैंने ऐसे क्लिप बनाई है, आप देख सकते हैं उसे, ठीक है। वो 3 मिनट की, अगर आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना, फ्री फायर की कसम है भाई, देखो वीडियो को जरूर लाइक करना, और हो सके तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो देखिए,
तो गाइस आपको कुछ समझ आ गया होगा कि आपको कैसे कैसे शॉट्स मारने चाहिए। ट्रैक करने पे आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, चाहे वो कैसी भी पोजीशन हो आपकी, तो ट्रैक करने पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, जब भी आपकी सेंसिटिविटी और सेटिंग्स का कुछ फ़ायदा होगा। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।